So I'm going to share my screen with you people so I can show you the flow chart. So here is it. सबसे पहले हमने क्या किया है जी, सबसे पहले हमने एक इनपुट करवा लिया नंबर जिसके हम फैक्टर्स पता करना चाहते हैं, राइट. उसके बाद हमने ये वाली चीज ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले. मींस के अगर आपने आउटपुट शो करवानी है वो क्या आएगी, द फैक्ट ऑफ नंबर आर, फैक्टर्स ऑफ नंबर आर. एंड दिस लूप इज फॉर ऑल द नंबर यू वॉन्ट टू चेक. ठीक है, ये वाली लूप उन नंबर्स के लिए है जिनको आप चेक करना चाहते हैं. और वो उस नंबर, इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये स्टार्ट होगा वन से और एंड होगा उस नंबर तक जिसका आप फैक्टर बनाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 का फैक्टर्स पता करना चाहते हैं तो इसकी जो कंडीशन होगी वो चेक करेगा फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, यहां से वो स्टार्ट करेगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट विल एंड टू 10. सो इट विल चेक द 1 फर्स्ट, देन इट विल गो फॉर द 2, देन 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. दिस कंडीशन इज फ्रॉम 1 to 10. देन अदर, देन दिस कंडीशन बॉक्स विल बी फॉर द मॉड. मीन्स के अगर आप किसी भी नंबर का मॉड ले रहे हैं 10 के साथ तो वो 0 आता है तो वो आय में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास नंबर है 10, उसका हम मॉड लेंगे 1 के साथ. ठीक है, तो 1 जो है इसका मॉड होगा हमेशा 0, क्योंकि 1 को जब आप 10 के साथ कवर अप करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट आई शो हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अब आप 2 के साथ कर रहे हैं तो 2 के साथ भी आंसर 0 आएगा, इसका मतलब है आउटपुट में 2 भी शामिल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप करेंगे चेक 3 के साथ. 3 के साथ जब आप करेंगे ना तो इसका मॉड मींस रिमाइंडर आएगा 1. तो जब 3 के साथ 1 आ जाएगा इसका मतलब है फॉल्स है, तो वो प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा. ठीक है, अब वो चेक करेगा 4 के साथ. 4 का जब आप रिमाइंडर लेंगे 10 के साथ तो वो भी 2 आएगा. ओके, द कंडीशन विल बी फॉल्स, 4 आउटपुट में नहीं जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द 5. 5 का जब आप रिमाइंडर लेंगे 10 के साथ तो इसका रिमाइंडर आएगा 0 और जो 5 है वो भी आउटपुट में चला जाएगा. इस तरह से कर करके आपने सारे नंबर चेक कर लेने हैं, जिसका जिसका रिमाइंडर 0 आता जाएगा वो आउटपुट में शामिल होता जाएगा, और जिसका रिमाइंडर अदर देन 0 आएगा वो आउटपुट में शामिल नहीं होगा. जी 9th क्लास, समझ आइए मैंने क्या कहा है आप लोगों को. ओके, नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ फैक्टर, जो अभी मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू समझाने की कोशिश की है, अब मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ नंबर. फॉर एग्जाम्पल, हमने नंबर लिया है 10. ठीक है, एंड द आउटपुट विल बी फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर. इसके जो जो भी फैक्टर्स होंगे वो शो हो जाएंगे. अच्छा जी, अब ये वाली जो लूप है, दिस लूप इज फॉर द कंडीशन. इसमें आपने आई की जो वैल्यू है वो लेनी है 1 से उस नंबर तक जो आपने लिया है. ठीक है, हमने नंबर 10 लिया है तो इसकी लूप की जो लिमिट होगी वो होगी फ्रॉम 1 to 10. यानी आप 1 से चेक करना शुरू करेंगे और फिर 10 तक चेक करते जाएंगे. ओके, सो दिस डिसीजन सिंबल इज फॉर द मॉडुलस. यू हैव टू टेक द नंबर, देन यू विल टेक मॉड विद आई एंड द आंसर विल बी 0. अगर तो आंसर ट्रू होता है तो आई में चला जाएगा, अदरवाइज वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर इज 10 एंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम आई 1. तो 10 का मॉड जब हम 1 के साथ लेते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, राइट. तो जो 1 है वो इसके फैक्टर में आ जाएगा. उसके बाद हम इसका रिमाइंडर लेंगे 2 के साथ. ठीक है, 2 5s are 10 and the answer is 0.
सो टू भी इसके फैक्टर्स में आ जाएगा. नाउ वी विल टेक थ्री. थ्री थ्रीज आर नाइन, इसका आंसर होगा वन. ठीक है, अब जो है कंडीशन फॉल्स हो गई है, वन आ गया, तो फॉल्स होके वो एंड हो जाएगा प्रोग्राम, यानी जो थ्री है वो नहीं आएगा यहाँ पे. ओके, नाउ वी विल चेक फॉर द फोर. फोर टूज आर एट एंड द आंसर इज टू, सो फोर इज नॉट इंक्लूडिंग इन द आउटपुट. उसके बाद हम लेंगे फाइव के साथ. फाइव टूज आर टेन, इसका भी रिमाइंडर जीरो आ गया, इट मीन्स फाइव भी इसके फैक्टर्स में आ जाएगा. इसी तरह फिर हम सिक्स के साथ चेक करेंगे. ठीक है, सिक्स वन आर सिक्स, फोर आ जाएगा, इसका मतलब सिक्स भी जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. उसके बाद हम सेवन के साथ चेक करेंगे, सेवन का भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा. एट भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उसका भी रिमाइंडर वन है. उसके बाद नाइन भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उसका भी रिमाइंडर वन है. उसके बाद टेन वन आर टेन और आंसर आ जाएगा जीरो. ठीक है, तो टेन इंक्लूड होगा, इसका मतलब है इसके फैक्टर्स होंगे वन टू फाइव एंड टेन. जी नाइन्थ क्लास समझ आई? ओके, नाउ द क्लास टाइम इज बीन रनिंग आउट एंड दीज आर टू फ्लो चार्ट वी हैव डन टूडेज इन टूडेज क्लास. नाउ यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, गेट प्रैक्टिस ऑफ इट, इनकी प्रैक्टिस बार बार करते जाएं. ठीक है, and in the next class I will take a short test of it. Take care of yourself. Allah Hafiz everyone.